डायमंड का लग रहा है, हीरा चमक रहा है। हाँ है तो हीरे दही अहमद है, ए कौन है एडा सखी? माँ जी बस तुसी पूछो ही ना, समझे कि अल्लाह मियां ने ना हमारी सुन ली है। अब्बा जी अब आपने इनकार नहीं करना। और मेरे पास अब मना करने को रह क्या गया है, ईंटें पत्थर रह गई हैं, बस वो भी इस्तेमाल कर लो सारी। और ये कड़ी ले लो अपनी मियां, मुझे नहीं चाहिए। ओए हाय भाइयों, इस तरह बच्चे का दिल नहीं तोड़ते होते आप ना। देखो ना शुक्र लगा दा करे ना बेबे के हमारे डूबते हुए बिजनेस को संभालने वाला कोई मिल गया है आखिरकार। आहो कमाले जो हो रहा है ना होन दे, अल्लाह पे भरोसा कर। तो अच्छा गाल सुनो ना, अगर आपको ये कड़ी नहीं ना चाहिए थी तो मैं रख लेती हूँ ना इसको, चमक कितनी चाहिए, तो मैं अली पुत्र को ना अंग्रेज वाले को ना शादी पे चढ़ा दूंगी। है अहमद मुझे बता पुत्र, वो आदमी बहुत ही अमीर है क्या? भी जी उन्हें तो पता ही नहीं होते कोल पैसा कितना है, आप लोग चलेंगे ना तो देखना। नहीं नहीं मुझे कितने नहीं जाना भाई। आओ अहमद पुत्र, मैं और कमाले जानदे चंगे लगेंगे, तू ऐसा ना कर सबा नू नाल ले जा। नहीं हम क्यों ना जाएंगे, हम सारे जाएंगे भाईजान, उसने हमें इतने प्यार से इनवाइट किया, अमीर आदमी ने तो कितनी बुरी बात है, वो कैसे महसूस करेगा। और देखे ना इसी तरह तो रिश्तेदारियां बनती है, जाना जरूर चाहिए। क्यों माँ जी सबा ने भी इनकार कर दिया, वो भी नहीं जा रही। आहो तो अब मत नहीं ना मारी गई उसकी, सबा नहीं जाती ना तो बिशक ना जाए, ऐसी की करिए हम तो जाएंगे। बेबे वो मैंने ना वो वाला जोड़ा पहना है जो मैंने उस दिन नेक पे पहना था ना, वो अच्छे गुलाबी रंग का इतना प्यारा, यहाँ से लेके वहां तक जम जम कर रहा था। और मैंने ना वो बाल ना जेबा की तरह स्टाइल बनाना बिल्कुल ऊंचा करके ना यहाँ तक वहां तक जो गया था ना टीपू सुल्तान की तरह जो जेबा जी बनाती होती थी ना, मैं उनकी तरह बनाऊंगी। और मैं जा रही खुदा हाफिज ना अहमद पुत्र, चल हम चलते हैं जी। आओ नहीं खसमा नु खा, जेबा बनिया शबनम जा। अगर इसकी जगह मुझे कोई वॉच दे देते तो मैं ले लेता, लेकिन मैं ये नहीं ले सकता। तू तो है ही ना कुएं का मेंढक, ना शुक्र ही नहीं हमेशा तू, मैं ये नहीं ले सकता। ओए चवले वो मेरा पार्टनर है, मेरा दोस्त है वो, तुम सब लोगों को अपने घर वालों की तरह समझते, मैं ये नहीं ले सकता। इड्डा तू आया, तुमने अपना गिफ्ट पैक नहीं खोला? हाँ क्यों छुपा रही है, दिखा ना। नहीं नहीं अरे है कि अजीब सा ही है वैसे कुछ इसका गिफ्ट ना। कौन है जिसने मुझे ये? शाम को चलोगी तो मिल लेना तुम उससे। पर हमें तो एक बात तो बता दे, ये है कौन जो हम सबके नाम जानता है? तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, बस जाओगे तो मिल लेना। लेकिन अहमद भाई एक बात तो बताएं, मगर वो दो क्या अगर मगर, अगर मगर पागल लगती तो मुझे है? वो कब से तो कह रहे चलोगे चलोगे तो देखेंगे, पीछे ही पड़ गई अगर मगर, अगर तू तैयार होने की कर है? और मेरी बात सुनो जरा, कितने प्यारे मुन्ने और कितने सज रहे हैं, मेरी बच्ची को चांद का टुकड़ा लग रहा है, पर ये डैन लग रही है ये जो खोखे पहने में, उतार के परे छोड़ इनको। सफर दाज तू ये पहन के गई उस घर में, अच्छा उनके उनके घर अगर तू गई तो जा उतार इनको अच्छे से कपड़े पहनी, मेरी बच्ची सोनी बनी, गल को समझा कर। अच्छा तूने भी जाना है ते तूने भी जाना है? मैं तो जरूर जाऊंगा, मैं देखना चाहती हूँ कि रंग ब्रश नहीं जाना ना। नहीं अहमद चल कमरे में चल, शाबाश निकल। पता नहीं क्या समझता पुपी जी अपने आप को, दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा। सारे दिमाग खराब हो गए, मत यही लाते हैं पागल ही सारे हो गए। माँ जी और क्या, एयरिंग्स देखते ही आपको अली का दिमाग भी खराब लगने लगा। सारा जी, सारा कहाँ है? अम्मी जी वो हम आग के साथ अब्बा जी के घर गई है ना, आप मुझसे क्या पूछ रही हैं, आप बता के नहीं गए?
अगर वो मुझे बताकर जाती तो मेरा दिमाग खराब है जो मैं तुमसे पूछती। क्या कह रही है अम्मी, सारा आपको बताए बगैर गई है? मुझे अगर बताना जरूरी नहीं समझती तो ना समझे, मगर डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए कहा है। इन हालात में कोई ऊंच नीच हो गई सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगा उसे। लेकिन अम्मी हमार को भी तो इस बात का ख्याल करना चाहिए ना। हमार तो उसके पीछे मजनू बना फिर रहा है। अब हमारी हैसियत इस घर में ऐसी हो गई है कि घर की बहुएं हमें इतला देना भी गवारा नहीं करती। बेटा तुम ही उसे कुछ समझाया करो। अम्मी जी आप हमेशा मुझे सारा की बहन होने का कसूरवार क्यों ठहराती हैं? मैं तो कभी आपकी कोई बात रद्द नहीं करती, आपकी इजाजत के बगैर तो मैं कदम भी नहीं उठाती। बेटा ये तुम्हारी सादत बनती है, तुम्हारे ही काम आएगी, लेकिन वो भी तो तुम्हारी बहन है ना। अम्मी जी बहन का रिश्ता तो शायद उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मेरी बहन मेरी देवरानी बनकर इस घर में आई थी। अब तो लगता है जैसे हम दोनों के दरमियान एक सर्द जंग शुरू हो गई। खुदा के लिए सब क्या हो रहा है? ये मेरा घर है, कोई मैदान जंग नहीं है। अम्मी मैं इसको अपना घर समझती हूँ, मैं इसे कभी मैदान जंग नहीं बनने दूंगी। आप छोड़े ना इन बातों, आप जाके आराम करें, मैं शाम की चाय लेकर आती हूँ आपके, जाए ना। न जाने ये लड़की कब सुधरेगी। कैसी है? मेरे फर्स्ट क्लास, बिल्कुल ठीक। और राबिया कैसी है? सारे ठीक है, राबिया भी बिल्कुल ठीक है। कहाँ है वो? कमरे में होगी ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जिंदी रहे। तेरे बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे भाग लगाया। अच्छा हमारे क्यों नहीं आया अंदर? मैं उसे भी मुबारकबाद दे देती। आई है खुशी, उन्होंने हमारा घर ही देख लिया बेबे, एक के बाद एक अच्छी चीज ना देखने को मिल रही है। हाँ ये तो नसीबों की बात है ना, जो अपने नसीब को दीप फोड़ ले वो तो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। सारा तुम ऐसी नेगेटिव बातें क्यों कर रही हो? अल्लाह ना करे कोई इस खुशी से महरूम रहे, अल्लाह सबको ये खुशी देखना नसीब करे। हानी सारा ये अल्लाह की देन है, और अल्लाह जब नवाजे तो रब का शुक्र अदा करना चाहिए। या अल्लाह हर औरत को ये खुशियां दिखाएं। फिर भी किस्मत तो औरत खुद ही बनाती है ना अपनी। चलो छोड़ो ना, क्या बोर बातें शुरू कर दी हैं तुम लोगों ने। वो आज आ गए ना हमारे घर में। अच्छा पता क्या, आज तूने हमारे साथ ना किसी के घर जाना है दावत पे, ठीक है चलेगी ना? दावत? कैसी दावत? हाँ अहमद पुत्र है ना जो, उसका दोस्त है एक नया बना है बिजनेस पार्टनर ना, बड़ा ही अमीर है, बड़े ही दौलतमंद है ना, उन्होंने ना हमें फैमिली का होता है ना फैमिली का डिनर, तो उस पे उन्होंने हम सब को बुलाया, तो हमने जाना है, तू भी चलना। अच्छा जरूर चलूंगी। तो क्या टाइम पे तैयार होना ना बहुत जरूरी है। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास इतने पैसे होते हैं ना, वो लोग बड़े असूली होते हैं, बड़ा बुरा मनाते हैं अगर लेट पहुंचो ना, तो इसलिए टाइम पे जाना चाहिए। तो लिहाजा तू ना टाइम पे तैयार हो जाए ना, ठीक है ना? है भाई तौबा है, तुम लोग सब जाके तैयार हो, नहीं तो अभी जुलेखा ना घड़ी की तरह सबको खबरदार करने लगेगी। चल जा तू टिक 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 करके। नेहा तू क्या खड़ी है, तू भी जाना। मेरी तरह लग रही है ना खूबसूरत, मैं जाती हूँ तैयार हो। खूब जाके तैयार हो जाओ। अच्छा अच्छा अभी जाती हूँ। और सुना अंसारी और शमसा खुश है ना? हाँ मैं भी चाहती हूँ कि आप भी ये खुशियाँ देखें। फरी तुमने देखा मैंने शमसा का दिमाग कैसे दुरुस्त किया, कैसे मानी हो? लेकिन आपा शमसा की तरफ से मेरा दिल बहुत टूटा, अपने गिरेबान में कोई भी नहीं झांकता, मेरी बेटियों पे सबको एतराज।
एक बात तो बता मुझे, सच सच ये नेहा के बारे में तुम्हें किसने बताया? है अपा, घर का बेटी ही लंका ढाता है। सारा ने खोला ये राज कि नेहा शादी से पहले क्या कुछ गुल खिलाती रही। तोबा तोबा, अपा मेरे को पैरों तले जमीन हिल गई थी, तो सोच भी नहीं सकती थी अगर शमसा ये मेरी बेटियों की तरफ उंगलियां ना उठाती ना अपा, मैं कभी भी जबान ना खोलती। सारा की बात तुम रहने दो, हमाद को उसी ने बगड़ा के तो शादी की है। वैसे शमसा सारा को बहुत नापसंद करती है, वो तो हमाद के लिए मैंने शमसा अंसारी को मनाया जैसे मैंने नीना के लिए कुर्बानी दी थी। वैसे तुम भी बड़ी एहसान फरमोश थी। नहीं आपा, मैं तो सारी जिंदगी आपके एहसान तले दबी रहा कसम से। जब भी मैंने एक बार तुमसे कहा था कि अम्मा के कंगन तुम्हारे पास पड़े हैं मुझे दे दो, आपा तो मैंने कब मना किया। बस इंशाल्लाह मेरी मीना और अयास का निकाह हो जाए ना आपा, शगुन के तौर पे पहनाऊंगी आपको, देखिएगा। तो ठीक है, लेकिन उसको सुनार को दिखा लेना, जरा चमकवा लेना, पता नहीं कब से मिट्टी में अटे हुए पड़े होंगे। ठीक है, आप खुश है ना? चाय कैसी है? बहुत अच्छी। समझ नहीं आती माँ जी, आजकल की औलादे इतनी मुजोर क्यों हो जाती हैं? हैं कि माँ बाप तमाशा ही बन के रह जाए। उन जान भी दे कमाले, अब तूने अहमद को रोका ना तो सारी जिंदगी ताना देगा कि अब्बा जी ने आगे बढ़ने नहीं दिया। माँ जी पार्टनरशिप करनी थी तो अंसारी के साथ कर लेता, उसने दमाद करके सिर पे बिठा लेना था उसे। ये पार्टनर किधर से आ गया? बच्चों को मौका देना चाहिए भाई, ठोकरे खाएंगे तो खुद ही संभल जाएंगे। आग सही हो जाएंगे, मुझे तो नहीं लगता सही होंगे। अब बस भी कर दे कमाले, पुत्र ना कद से ऊंचे हो जाए ना तो उन पे भरोसा करना सी, तू ना बात बात पे रोड़े अटकाता है। हाँ, पर ये किधर से ढूंढ लिया है पार्टनर उसने? माँ जी कौन है? तेनु की ये जवान पुत्र है, आपे संभालेगा। सब ठीक है जी, हमें क्या है फिर, कर लूं तो। किसी भी चीज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, हर चीज बहुत शानदार होनी चाहिए, बहुत शानदार इस्तकबाल होना चाहिए, समझे? ठीक है, मुझे समझ आ गई है, इसने अपनी माँ का बदला लेना है हम लोगों से। फरिया पर ये अच्छी बात नहीं है कि आप मेरी बहू से छुप छुप कर बातें करें। आई एम सॉरी शमसा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी बहू की तबीयत पूछने गई थी, अब मुझे क्या पता कि सारा पेट की इतनी हल्की होगी। फरियापा आप तो समझदार है ना, आपको इन रिश्तों की ऊंच नीच का अच्छी तरह से अंदाजा होना चाहिए। वैसे शमसा, नेहा ने तुम्हारी मोहब्बत का गलत फायदा उठाया। ऐसी कोई बात नहीं है आपा, शादी के रोज वो गई जरूर थी लेकिन निकाह से आधे घंटे पहले वापस आ गई थी। और ऐसी कई लड़कियां हैं जो निकाह से पहले शॉपिंग पे जाती हैं और आधे घंटे पहले वापस आ जाती हैं,
तो वो सब की सब क्या आवारा हो गई? अल्लाह ना करे, I didn't mean that. लेकिन अगर फिर भी तुम्हें बुरा लगा है ना, तो मैं मोहतात रहूंगी. बल्कि मैं तो मीना से भी कहूंगी कि वो अपनी जेठानियों से मोहतात ही रहे. बात मोहतात रहने की नहीं है आपा, जबान पे काबू रखने की है. वो तो ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनो. ये लगाई बुझाई की जो आदत है ना, वो यहाँ वाली लड़कियों की है. मीना से तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी. मीना के लिए यही बेहतर है. नान बेटा जी, खाना तो बहुत ही स्वादी था. मैंने तो जिंदगी में इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया. पर बड़ा ही मजा आया. वैसे नेहा ने तो कुछ खाया ही नहीं. मुझे भूख नहीं थी. भाई अब चलें? हाँ चलें. अहमद वो साथ वाले कमरे में लॉयर बैठा हुआ है मेरा, तो वो जो हमने पार्टनरशिप के पेपर साइन करने हैं, आई बिलीव वो प्लीज कर दो यार. Yeah. हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आया. पुफी जी, आए ना, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ. आए. अच्छा, क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं. बल्कि पुफी, अगर राबिया भी साथ चलना चाहे तो मुझे अच्छा लगेगा. क्यों नहीं, ज्यादा बेहतर है. प्लीज आए. अच्छा. आए माँ जी, तुसी जाओ ना. पागले, वो तुझे दावत दे रहे हैं ना अपना घर दिखाने की, तो समझा कर बात को. चल जा, जाके तू बाहर खेल सब. शावर चल. ये वही अदनान है ना नेहा. क्या शानो शौकत, कितना बड़ा महल नुमा घर. तुम्हें अजीब सा नहीं लग रहा? मैं कुछ नहीं जानती, हाई भी बस. ये कॉलेज में तुम्हारा आर्ट टीचर था ना, अजीब सी बात. तुम्हारे साथ तो ऐसा रवैया है जैसे जानता ही ना. क्या मतलब है तुम्हारा? जब दो लोग इतने करीब हों और अचानक से वो अजनबी हो जाए एक दूसरे के लिए, तो इसका क्या मतलब होगा? ऐसा नहीं लग रहा जैसे तुम्हें इग्नोर कर रहा. तुम कहना क्या चाहती हो सारा? कुछ नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम्हारे पास कोई जवाब तो होगा. हुँ? इसलिए छोड़. अरे वाह, ये आर्टिफैक्ट कितना खूबसूरत है ना. अदनान बेटा जी, ये इतना प्यारा घर आपका है? मेरा मतलब है, आपने खरीदा है? खूबसूरत से कई ज्यादा खूबसूरत और महंगे घर मेरे लंदन और पेरिस में. आप देखेंगी तो अच्छे लगेंगे. लंदन और पेरिस, यानी कि मैं, यानी कि हम लंदन जाएंगे, मैं भी जाऊंगी. हाँ, अब तो हमारा साथ रहेगा. मैं आपको साथ लेकर चलूंगा. राबिया और काशी को भी लेके जाएंगे हैं? काशी को तो बल्कि मैं वहीं किसी स्कूल में डाल दूंगा, वहीं पढ़ता रहेगा. हाय, मैं मर गई यार. तेरा शुक्र है मेरा बच्चा लंदन में पढ़ेगा, वहां के स्कूल में पढ़ेगा. यकीन नहीं आ रहा मुझे बेटा जी, क्या कह रहे हैं आप.